वेलकम टू माय चैनल अर्चनास आर्टी हब। आज एक कांच की खाली बॉटल है, इसको डेकोरेट करूँगी और एक शो पीस की तरह तैयार करेंगे, इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले पोंछ के साफ़ कर लिया बॉटल को, उसके बाद फिर इसमें वाइट स्प्रे पेंट करूँगी। स्प्रे पेंट होता है, जल्दी हो जाता है, तो ऑल ओवर करना है पूरा, तो चारों तरफ करूंगी मैं इसको। एक कोट जैसे चारों तरफ हो जाता है, उसको पूरा हो जाएगा, होने वाला है बस। और मैं सुखाने को रख दूंगी, तो ये होता भी जल्दी है और ये सूखता भी जल्दी है। जैसे ये पूरा हो गया है बॉटल में, इसको सुखाने को रख दूँगी। सूखने के बाद इस पर मैं जो फ्रूट्स में नॉर्मली जो गुआवा होते हैं, अमरूद या एप्पल्स होते हैं, जो उनके ऊपर ये नेट चढ़ा रहता है, उसी का मैंने यूज़ किया है। इसको ये बॉटल को मैंने इसे कवर कर दिया है, नेक तक जितना है ये आया है, उसी हिसाब से मैं स्प्रे पेंट कर रही हूँ ऑरेंज। तो ऑरेंज मैंने पूरा कर दिया है, बीच में थोड़ा सा नेक पे देखिए थोड़ा सा छोड़ा है मैंने, फिर ऊपर कर दिया है इस तरह से। पेंट हो गया है, तो इसके अब इसको नेट को निकाल देंगे। एकदम बहुत गीला होता है तब नहीं निकालते हैं, मैंने थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, तो कहीं कहीं ये खींच रहा है, नीचे का पेंट है जो, तो लेकिन ज़्यादा सूखने पे भी नहीं निकालना चाहिए, जल्दी निकाल देना चाहिए, नहीं तो फिर चिपक जाता है। ये देखिए कहीं कहीं हट गया है, तो उसको ब्रश से फिर उसको फिल कर देंगे, लगा देंगे कलर को जहाँ से निकला है। तो इस तरह से दोनों इसमें शेड हो गया, जाली बन गई। अब इस पर मैं लगाने के लिए कुछ फूल फ्लावर बना रही हूँ, तो ये ग्लू गन से बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने सिलिकॉन ट्रेस का यूज़ किया है, जो चॉकलेट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यदि आपको भी जितना थिकनेस चाहिए उस हिसाब से बनाते हैं, मेरे को बहुत पतला चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए थिक, मोटा पूरा, तो पूरा नहीं भरा है मैंने, थोड़ा थोड़ा सा लगाया है, उसमें थोड़ा गम डाला है, तो थोड़ा थोड़ा ग्लू डाला है, उस हिसाब से बना लिया है। जिस डिज़ाइन की आपको ज़रूरत है या आपके पास जो अवेलेबल है उस हिसाब से बना के उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये फ्लावर है, ये बर्ड है, ये गोल्डन भी बनाई है मैंने अलग अलग कलर से। इस तरह से ये तैयार हो गए हैं सारे बनके। अब मैं इसको बॉटल पर जैसे मेरे पास अवेलेबल है या जैसे अच्छा लगे, जैसे समझ के उस हिसाब से आप लगाएं, जो कुल मिला के डिज़ाइन देखने में अच्छी लगे, जिस भी तरह से आप लगाएं, पहले अरेंज करके देख लें कैसा लगता है, जिस तरह से अच्छा लगे उसके बाद फिर उसको फिक्स कर देंगे। तो ग्लू गन से ही फिक्स करेंगे, अच्छे से फिक्स हो जाता है। ये रख दिया है, फिर एक एक उठा उठा के वहीं वहीं ग्लू गन से उसको फिक्स कर देंगे, तो पूरा अच्छे से ये देखिए फिक्स हो गया है। इसी तरह से पीछे की साइड में भी उसको भी ऐसे ही लगा देंगे सब, उसको भी ग्लू गन से ऐसे ही फिक्स कर देंगे। ये फिक्स करके फिर उसके साइड में मेरे पास कुछ गोल गोल बिंदी टाइप बड़े बड़े देखे हैं, तो जहाँ कहीं कलर भी उतरा हुआ है या वैसे भी, तो एक उसको लगा दिए मैंने जगह जगह। उसको लगा के फिर मैंने उसको कलर किया है, क्योंकि बिना कलर वाला है तो मैंने अपनी ब्राउन नेल पॉलिश लगाई है, उससे इसको मैंने पेंट किया है। तो ये देखिए अभी मैंने, और उसके बाद ये देखिए बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं इस ब्राउन पेंट करूँगी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें फ्लावर वगैरह जो बनाए हैं इनमें भी ब्राउन जो नेल पॉलिश है उसको बीच बीच में शेड दिया है उससे। ये देखिए ये दिख रहा है साफ साफ आपको, तो पूरा बनके तैयार हो गया है। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।